हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो हैं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लास 11th जो है वो स्टार्ट कर ली होगी। तो अभी जो जेके बोस के स्टूडेंट हैं उनको जो है वो क्लास 11th फिजिक्स के सिलेबस के रिलेटेड काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस जो है वो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जो है वो फिजिक्स के सिलेबस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है, अगर आप लोग इस सिलेबस का प्रिंट आउट चाहते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उस टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स और इस सिलेबस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर हम लोग बात करें जेके बोस क्लास 11th फिजिक्स के सिलेबस की, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं फिजिक्स के, वो मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो फिजिक्स का होता है। और इस एग्ज़ाम्स को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक एग्ज़ाम्स को हम लोग इधर बोलते हैं थ्योरी एग्ज़ाम, और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के जो यह है पेपर होता है, और थ्योरी 70 मार्क्स का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में जो है वो बात करूँगा किसके रिलेटेड, कि जो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उनकी वेटेज कितनी है, मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, इसके बारे में हम लोग जो है वो एक कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखें सिलेबस के टॉप के ऊपर एक नोट है, 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज़ अलॉटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मतलब जो भी आपका पेपर रहेगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25% के करीब करीब जो हैं वो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो हैं वो इस साल से आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट फर्स्ट है मैथमेटिकल टूल्स। तो इसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स को हम लोग जो है वो समझते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल। इसकी वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से 4 मार्क्स है। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज 5 मार्क्स है। नेक्स्ट यूनिट का नाम है काइनामेटिक्स, तो इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो इसकी वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से 7 मार्क्स है। और इसके अंदर हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, फ्रिक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। अगला चैप्टर जो है उसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसकी वेटेज 6 मार्क्स है। और इसके अंदर हम लोग वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें कोलिजन है। जब हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या टॉपिक्स ये हैं। और नेक्स्ट यूनिट का नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, तो इसकी वेटेज 6 मार्क्स है। और नेक्स्ट यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन, तो इसकी वेटेज भी 6 मार्क्स है। सेम तरह से अगला चैप्टर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, इसकी वेटेज 7 मार्क्स है। नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडाइनामिक्स, इसकी वेटेज 6 मार्क्स है। नेक्स्ट चैप्टर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसकी वेटेज भी 6 मार्क्स है। और लास्ट चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव, ये 10 मार्क्स का है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनकी वेटेज मैंने आप लोगों को बता दी। अगर हम लोग बात करें जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा। आप लोग इस सिलेबस को जो है वो डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। ख़ास करके जो आपके स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं, जैसे मैथमेटिकल टूल हो गया, वेक्टर हो गया, या हमारी डायमेंशंस हो गया, एरर हो गया, तो इन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको
कुछ और कोई भी क्यूरी आपके मन में है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको उसका वीडियो जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।